मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने कहा, भारत जंग चाहता है और पाकिस्तान को उसे करारा जवाब देना ही होगा। सरहद के पास सियालकोट में हाफिज सईद जनाजे में हिस्सा लेने पहुंचा था। सरहद पार बैठा आतंकियों का आका हाफिज सईद बौखलाया हुआ है। पिछले एक महीने में अपने दो पिट्ठुओं के पकड़े जाने से हाफिज सईद आपे से इस कदर बाहर हो गया है कि भारत के खिलाफ जंग की बात कर रहा है। हाफिज सईद सोमवार को भारत पाक सीमा के पास सियालकोट में उन लोगों के जनाजे में शामिल होने के लिए आया था जिनके बारे में पाकिस्तान का दावा है कि सरहद पर हुई फायरिंग में मारे गए थे। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रहे सीज फायर उल्लंघन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद हाफिज सईद पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से डर गया है।